2 point charges each of plus 40 micro coulomb are placed at a distance 0.4 meter. तो डिस्टेंस इनकी आपस में है 0.4 मीटर और माइक्रो कूलॉम्ब है इनका यूनिट, ठीक है 10^-6 वाला कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको बोला गया कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा, इससे 0.2 की दूरी पे और इससे 0.2 की दूरी पे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी आपको दिया गया है 2, के इज इक्वल टू 2 दिया गया। याद रखिएगा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दोनों वोल्टेज अब आराम से जुड़ जाएंगे, तो V इज इक्वल टू V1+V2 होगा और 1/4πε0, क्योंकि चार्जेस Q1 Q2 भी सेम ही है और डिस्टेंस भी सेम है, तो यही चीज दो बार आ जाएगी, समझ रहे हैं आप, है ना। Q1 is equal to Q2 is equal to Q is equal to plus 40 microcoulomb, है ना। और ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, R1 is equal to R2 is equal to R is equal to 0.2 meter, मिड पॉइंट की बात हो रही है ना, और बस दो बार आ जाएगा तो कर दो, दो बार और दो बार आ जाएगा, के भी हमें लेना है ना, के ठीक है। सो बस 2 × 1/4πε0 की जगह 9 × 10^9 और × 1/2 K की वजह से, है ना। और Q कितना है, Q है 40 × 10^-6 कूलॉम्ब डिवाइडेड बाय R कितना है 0.2। सब कुछ कैंसिल कर दीजिए, 2 और 2 कट गया यहाँ से और ये 2 इसे काटेगा तो ये 20 होता, अगर ये 2 होता, ये 0.2 है तो 200, 200 इंटू 9 कितना हो गया 1800 × 10^3, ठीक है। अब इसे और सही कर लेते हैं, 1.8 × 10^6 हो जाएगा, बस मतलब काफी ज्यादा वोल्टेज है अगर देखा जाए तो, है ना। तो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।